रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम लूट की खबर से हड़कंप मच गया, लेकिन जांच में ये खबर झूठी निकली। वहीं पुलिस ने लूट के मामले में पुलिस को नकली कहानी रचने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में पीड़ित पुलेश्वर साहू से जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी पुलिस के सामने उगल दी, जिसके बाद पुलिस ने कुलेश्वर के भांजे और उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। खमतराई पुलिस के मुताबिक लकड़ी कारोबारी भरत पटेल का यहाँ मुंशी का काम करने वाले कुलेश्वर साहू कल टिम्बर मार्केट के व्यापारियों के यहाँ से 4.5 लाख रुपए की वसूली कर लौट रहा था और जिस वक्त इसने वारदात को अंजाम दिया। आरती ने स्वीकार किया कि उसने खुद ही लूट की योजना बनाई थी अपने भांजे और अपने भांजे के दोस्त के साथ में मिलकर, और उसने जब 4,60,000 रुपए वसूल कर लिए तो जब जा रहा था तो वो पैसा फिर भांजे को और भांजे के दोस्त को दे दिया, वो ले जाके पैसे को छुपा दिए थे। आरती की निशानदेही पर पैसे को बरामद कर लिया गया है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लूट की रकम पूरी बरामद कर ली गई है, और इसके अलावा 2 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल भी जब्त किए।